विश्व मानव समाज में व्याप्त पीड़ा, पतन और पराभव को दूर करने के लिए समस्त विश्व के करोड़ों लोगों के चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके लिए युग निर्माण मिशन के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण का संकल्प लिया। इस कार्य के लिए उन्होंने सन 1971 में अपने हिमालय प्रवास के उपरांत शांति कुंज को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। शांति कुंज पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं माता भगवती देवी की प्रचंड तप ऊर्जा के संस्कारों से अनुप्राणित है। यह एक आध्यात्मिक सेनेटोरियम है। यहाँ शरीर, मन और अंतःकरण को स्वस्थ समुन्नत बनाने हेतु वातावरण है, साथ ही सुख और शांतिपूर्ण जीवन जीने हेतु जीवन जीने की कला की युगानुकूल प्रेरणा एवं मार्गदर्शन यहाँ उपलब्ध होता है। वास्तव में सप्त ऋषियों की तपोभूमि पर स्थित शांति कुंज एक आध्यात्मिक ऊर्जा संपन्न युग तीर्थ है। यहाँ गायत्री माता का एक भव्य मंदिर तथा सप्त ऋषियों की प्रतिमाएं हैं। सन 1926 से जल रहा अखंड दीप है, जिसके सानिध्य में नियमित अखंड जप चलता रहता है। आश्रम में नौ कुंडी यज्ञशाला में अखंड अग्नि जल रही है, जहाँ नित्य नियमित 1000 साधक गायत्री यज्ञ संपन्न करते हैं। सभी प्रकार के संस्कार जो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, यहाँ निःशुल्क संपन्न किए जाते हैं। भारतीय संस्कृति के तत्व दर्शन वसुधैव कुटुंबकम, गायत्री अर्थात सद्ज्ञान और यज्ञ अर्थात सत्कर्म के तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने वाला यह जागृत तीर्थ लाखों साधकों का गुरुद्वारा है। अध्यात्म के गूढ़ विवेचनों की सरल व्याख्या कर उन्हें जीवन में कैसे उतारा जाए, इसका सतत शिक्षण यहाँ के 9 दिवसीय संजीवनी साधना सत्रों में चलता है। साधक यहाँ आते और संकल्पित अनुष्ठान पूरा कर अपना आध्यात्मिक कायकल्प करके जाते हैं। शांति कुंज के भव्य जड़ी बूटी उद्यान में 300 से भी अधिक प्रकार की दुर्लभ सर्वोपयोगी वनौषधियाँ लगाई गई हैं। एक प्रयोगशाला में समय समय पर इन जड़ी बूटियों की जांच पड़ताल होती रहती है एवं साधना सत्र में भाग ले रहे साधकों को आवश्यकता अनुसार कल्क का सेवन कराया जाता है। शांति कुंज द्वारा आयुर्वेद का पुनर्जीवन कर 50 से अधिक वनौषधियों के चूर्णों एवं क्वाथ को जन जन तक लागत मूल्य पर पहुंचाया जाता है। सभी आगंतुकों की शारीरिक, मानसिक जांच पड़ताल निष्णात चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क की जाती है और आहार साधना, जप, ध्यान, प्राणायाम तथा वनौषधि संबंधी परामर्श दिया जाता है। गायत्री महाविद्या की शब्द शक्ति, यज्ञ ऊर्जा एवं ध्यान आदि पर वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु एक आधुनिक ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना यहाँ की गई है। भारतीय अध्यात्म एवं धर्म पर चिर पुरातन से लेकर अब तक लिखा साहित्य इस संस्थान में संकलित किया गया है। यहाँ से अखंड ज्योति नामक हिंदी मासिक एवं युग शक्ति गायत्री गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगाली, तमिल और तेलुगु भाषाओं में प्रकाशित होती है। यहाँ का पत्राचार विभाग भारत एवं विश्व भर में बैठे जिज्ञासुओं और प्रज्ञा परिजनों के दैनंदिन जीवन की उलझनों को सुलझाने का मार्गदर्शन देता है। लोक सेवी का सर्वांगपूर्ण शिक्षण कर धर्म तंत्र से लोकमानस का परिष्कार यहाँ का एक विशिष्ट कार्यक्रम है। एक माह के सत्रों में भावनाशील कार्यकर्ता नैतिक, बौद्धिक एवं सामाजिक क्रांति का परिपूर्ण शिक्षण वर्ष भर लेते हैं। शिक्षण, निवास एवं भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है। प्रतिदिन यहाँ के विशाल भोजनालय में प्रायः हजारों आगंतुक, श्रद्धालु तथा अनुमति लेकर आए शिक्षार्थी बिना मूल्य भोजन प्रसाद पाते हैं। जन जन में सुसंस्कारिता संवर्धन तथा आस्था संवर्धन हेतु शांति कुंज से प्रज्ञा टोलियाँ देश विदेश में भेजी जाती हैं। स्थान स्थान पर साधना सत्र आयोजित कर ये कार्यकर्ता शांति कुंज की दैवी चेतना का विस्तार जन जन तक करते हैं। ग्राम तीर्थ योजना के अंतर्गत एक एक गांव को स्वावलंबी बनाने और स्थायी विकास का ढांचा खड़ा करने हेतु
स्वावलंबी ग्राम्य विकास के 2 प्रशिक्षण सत्र प्रत्येक माह यहाँ चलते हैं। गरीबी उन्मूलन के अंतर्गत औसत भारतीय स्तर की आजीविका उपार्जन हेतु यहाँ एक स्वावलंबन विद्यालय विनिर्मित है, जिसमें छोटे कुटीर उद्योगों से उपार्जन का निःशुल्क शिक्षण दिया जाता है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के विभिन्न पदाधिकारियों को यह नैतिक, बौद्धिक तथा व्यक्तिगत परिष्कार का शिक्षण 5 दिवसीय सत्रों में विद्वान आचार्यों द्वारा दिया जाता है। जन साधारण में उमंग एवं प्रेरणा भरने के लिए यहाँ के आधुनिकतम वीडियो स्टूडियो में नाटक, गीत, एक्शन सॉन्ग तथा छोटी छोटी टेलीफिल्में तैयार की जाती हैं। 600 उच्च शिक्षित कार्यकर्ता यहाँ स्थायी रूप से परिवार सहित निवास करते हैं। गंगा की गोद, हिमालय की छाया में निर्मित शांति कुंज एक ऐसी स्थापना है जहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति कृतकृत्य होकर जाता है। लाखों व्यक्तियों ने यहाँ के जीवन साधना कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण सत्रों में सम्मिलित होकर स्वयं का कायाकल्प किया है।